Good morning everyone, this is Anil K. Sharma. Welcome to my channel Oracle Tech India. और आज के इस वीडियो लेक्चर में यूनिक्स में कुछ मेल के रिगार्डिंग कमांड्स को समझेंगे. फिंगर कमांड, तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास यूनिक्स का जो पहला कमांड है, फर्स्ट कमांड है, वो है फिंगर कमांड. तो फिंगर कमांड क्या करता है? इट लिस्ट लॉगिन डिटेल्स ऑफ यूजर लाइक हु कमांड. तो यूनिक्स के मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने हु कमांड के बारे में भी बताया है. तो हु कमांड क्या करता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो बंदे जो रिसेंटली लॉग्ड इन हुए हैं उसकी लिस्ट को ये शो करता है कि कौन कौन से बंदे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिसेंटली लॉग्ड इन हुए हैं. तो फिंगर कमांड भी वही करता है. ये क्या करता है? ये यूजर की लॉगिन डिटेल्स की लिस्ट को देता है. तो कैसे? तो नीचे एग्जांपल में इसको देखेंगे. तो व्हेन यूज्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स इट प्रोड्यूसेस ए लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स लॉग्ड ऑन टू द सिस्टम. अगर हम फिंगर कमांड टाइप करके यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे और सीधे एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी बंदे यूनिक्स पे लॉगिन हुए थे उन सारे बंदों की लॉग्ड इन यूजर्स की पूरी लिस्ट को ये प्रोड्यूस कर देगा. उसके बाद हम जानना चाहते हैं किसी एक सिंगल यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में जो लॉग्ड इन हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन भी फिंगर कमांड प्रोवाइड करता है. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट ए सिंगल यूजर. तो कोई सिंगल यूजर लॉग इन हुआ है रिसेंटली, तो हम क्या करेंगे? फिंगर और फिंगर लिख करके उस सिंगल यूजर का नाम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस सिंगल यूजर की भी पूरी डिटेल्स फिंगर कमांड शो करता है. और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ज्यादातर फिंगर कमांड को डिसेबल करके सिस्टम पे रखा जाता है. हु कमांड्स को ही ज्यादा यूज करते हैं. अब फिंगर कमांड को अगर यूज करना है तो क्या करेंगे? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे, फिंगर कमांड को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो रिसेंटली जितने बंदे यूनिक्स पे लॉग इन हुए थे उन सारे बंदों की यहाँ पे लिस्ट दे देगा. हेनरी, अनिल और भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो रिसेंटली लॉग्ड इन हुए हैं, तो उनकी सारी डिटेल्स दे देगा. तो हु कमांड की ही तरह है ये फिंगर कमांड. उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिंगर लिख करके उस पर्टिकुलर यूजर को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट सुमित, तो ये क्या करेगा? ये शो करेगा सुमित के बारे में सारा डिटेल्स की, मतलब सुने जो रिसेंटली लॉग्ड इन ये हुआ था यूनिक्स पे वो देगा. उसके बाद यूजर का नाम शो करेगा, सुमित है. उसके बाद कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से इसने लॉगिन किया था वो शो करेगा, रिमोट लॉगिन है या नहीं है वो शो करेगा. तो मतलब उस पर्टिकुलर सुमित के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये शो करता है. टॉक कमांड, तो यूनिक्स में मेल के रिगार्डिंग हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है टॉक कमांड. तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में जो है मेल के रिगार्डिंग इस कमांड का क्या यूज है. तो इट इनेबल्स टू हैव ए टू वे कम्युनिकेशन विद एनी पर्सन हु इज करंटली लॉग्ड इन. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर दो बंदे यूनिक्स पे लॉग इन है तो दोनों बंदे अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टॉक कमांड को यूज करते हैं. तो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? इट इज टेक्स्ट बेस्ड, वेयर टेक्स्ट एंटर्ड बाय वन यूजर्स अपीयर्स ऑन द टर्मिनल ऑफ द अदर. तो टॉक कमांड के थ्रू क्या होता है कि दो बंदे जब लॉग इन होते हैं यूनिक्स पे तो टेक्स्ट के थ्रू
जो है आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते। एक बंदा टाइप करेगा, दूसरे बंदे के टर्मिनल पे वो अपीयर होगा, फिर दूसरा बंदा वहाँ पे टाइप करेगा उसके नीचे, तो वो टेक्स्ट पहले बंदे के टर्मिनल पे अपीयर होगा। तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। तो स्क्रीन स्प्लिट्स इनटू टू एंड शोज द मैसेजेस। तो जब टॉक के थ्रू दोनों बंदे आपस में टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीन स्प्लिट्स हो जाती है टू फॉर्म्स में, और मैसेज वगैरह का इस तरीके से एक्सचेंज होता है। उसके बाद इट इज टर्मिनेटेड बाय कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके सी प्रेस करेंगे, मतलब कंट्रोल को दबा कर रखेंगे, सी प्रेस करेंगे, तो हम इसको फिर टर्मिनेट कर सकते हैं मेल को। तो एग्जाम्पल में इसको समझते हैं कि इसको टॉक कमांड को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा करके आपको टॉक लिखना है, और टॉक लिखने के बाद आपको नाम लिखना है, लेट सपोज चार्ली, ठीक है। चार्ली से हेनरी नाम का बंदा बात करना चाहता है, तो हेनरी नाम का बंदा क्या करेगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन होगा, वहां पे डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट पे टॉक लिखेगा, और उसके बाद चार्ली लिखेगा। तो हेनरी चार्ली से बात करना चाहता है, तो हेनरी जिससे बात करना चाहता है उस बंदे का यहाँ पे नाम आएगा, तो टॉक चार्ली, तो मतलब हेनरी नाम का बंदा चार्ली से बात करना चाह रहा है। तो एंटर प्रेस करेंगे, तो इट इज हेनरी हु इज कम्युनिकेटिंग विद चार्ली। तो हेनरी चार्ली से कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे मेल एक्स लिख करके उसके बाद चार्ली टाइप करेंगे, तो हेनरी नाम का बंदा जो है चार्ली को एक मेल कर रहा है। तो मेल करने के लिए मेल एक्स लिखा है उसने, उसके बाद जिसको मेल कर रहा है उसका नाम, चार्ली को मेल कर रहा है कौन, हेनरी। तो चार्ली लिख के एंटर प्रेस करेंगे, और बिल्कुल जैसे ईमेल में हम सब्जेक्ट वगैरह डालते हैं, बॉडी टेक्स्ट डालते हैं, वो सारा कुछ जो है डाल करके मेल को तैयार करेंगे। तो सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, न्यू सिस्टम डाला है इसने। फिर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट, उसको जो भी मैसेज देना है वो मैसेज डाला है उसने, द न्यू सिस्टम विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ से न्यू फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्ट योर फाइल्स बाय नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक आप कन्वर्ट कर लो फाइल्स को। और कौन बोल रहा हूँ मैं हेनरी बोल रहा हूँ। ये बॉडी टेक्स्ट की बॉडी तैयार कर दी है, उसके बाद एंड ऑफ टेक्स्ट लिखेंगे, अब कंट्रोल प्रेस करके, मतलब कंट्रोल को पकड़ के रखेंगे और डी प्रेस करेंगे, तो आपका पूरा मैसेज ये जो है सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिक्स में हम मेलेक्स कमांड के थ्रू पूरा मेल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेल एक्स कमांड। तो लेट सपोज आई वॉन्ट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल मेल्स, मैं सारे मेल्स की लिस्ट को देखना चाहता हूँ, तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मैं टाइप करूंगा मेल एक्स, एंड देन आई हैव टू प्रेस एंटर, उसके बाद मैं एंटर को प्रेस करूंगा, तो इट विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल मेल्स। तो ये क्या करेगा, सारे मेल्स की लिस्ट आपके सामने शो कर देगा। और उसके बाद कुछ इस तरह से क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, और अब आप चाहते हो कि वो जो मेल्स की पूरी लिस्ट आई है, आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो, मेल एक्स को क्विट करना चाहते हो, तो आप क्यू को टाइप करके सिंपली एंटर प्रेस करोगे, तो आप मेल एक्स से बाहर आ जाओगे। अब क्या होता है कि कोई मेल एक्स कमांड से हमने मेल की पूरी लिस्ट देख ली है, और लिस्ट देखने के बाद क्यू टाइप करके उस मेल वाले लिस्ट से हम बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद वो जो मेल है वो सारी की सारी मेल बॉक्स में जा करके स्टोर हो जाती है, एम बॉक्स। तो
एम बॉक्स से अगेन उन सारे मेल की लिस्ट को व्यू करने के लिए, देखने के लिए हम ये सारे कमांड्स को टाइप करते हैं। मेल एक्स मतलब मेल एक्स जितनी भी आई हुई है वो, हाइफन एफ मतलब सारे मेल्स को व्यू करने के लिए, देखने के लिए, और एम बॉक्स का मतलब मेल बॉक्स में जो मेल की लिस्ट पड़ी हुई है वहां से। एंटर प्रेस करेंगे तो आफ्टर सीइंग द मैसेज बॉडी इट इज मूव टू द एम बॉक्स। तो जो भी आपने मेल बॉक्स में जा करके मेल की लिस्ट पे किसी पे क्लिक करके आपने मेल को चेक किया और उसके बाद उसको क्विट कर दिया क्यू टाइप करके, तो वो मेल जो है आपका जो है वो मेल बॉक्स में जा करके स्टोर हो जाता है, मूव हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि दोबारा मेल बॉक्स से वापस हमें उस मेल को देखना है, तो उसके लिए सिंटेक्स जो है वो जो हम यूज करते हैं वो मेल एक्स हाइफन एफ एम बॉक्स टाइप करते हैं। तो जो यहाँ पे सिंटेक्स मैंने लिखा है मेल एक्स हाइफन एफ एम बॉक्स, तो ये सिंटेक्स इज यूज टू सी द मैसेज अगेन फ्रॉम एम बॉक्स। एम बॉक्स से दोबारा मैसेज को देखने के लिए यूज करते हैं, जहां पर हाइफन एफ का मतलब होता है कि मैसेज को आप देखना चाहते हो, एम बॉक्स का मतलब होता है कि वेयर द मैसेज इज सेव, तो जहां पर आपका मेल सेव है, मैसेज सेव है वहां से। तो इस तरीके से मेल एक्स क्यू और मेल एक्स हाइफन एफ एम बॉक्स कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है अब कि मेल को रिप्लाई करना, रिप्लाई टू मेल। कोई मेल आया है आपके पास, आप चाहते हो कि मैं उस मेल का कुछ रिप्लाई करूं, तो सिंपल आप आर प्रेस करोगे तो उस मेल का आप रिप्लाई कर सकते हो। तो फॉर रिप्लाइंग टू द मैसेज करेंटली हैज कम, तो जो मैसेज करेंटली आपके पास आया है उसको रिप्लाई करने के लिए आप सिंपली आर को प्रेस करोगे तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो मेल करने के लिए, मेल का रिप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्वेश्चन मार्क आर प्रेस करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करनी है तो आप रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डब्ल्यू से क्या होगा कि यू कैन सेव वन और मोर मैसेजेस इन सेपरेट फाइल्स। तो किसी सेपरेट फाइल में एक या एक से ज्यादा मैसेज को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए डब्ल्यू प्रेस करेंगे। तो कैसे डब्ल्यू को प्रेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क उसके बाद डब्ल्यू और उसके बाद फाइल का नाम देंगे। तो नोट वन नाम के फाइल में आपका करंट मैसेज जो है वो जा करके सेव हो जाएगा जब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो करंट मैसेज इज सेव्ड इन फाइल नोट वन। उसके बाद हम चाहते हैं कि मैसेज वन जो आया है वो मेल वन का मैसेज, मेल टू का मैसेज, मेल थ्री का मैसेज, इन तीनों के मैसेज को नोट थ्री नाम के फाइल में मुझे सेव करना है, तो क्वेश्चन मार्क उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करना है, एंटर प्रेस करनी है, उसके बाद मैसेज वन टू थ्री आर सेव्ड इन फाइल नोट थ्री। तो नोट थ्री वाले फाइल में जाकर के तीनों मैसेज सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क टाइप करके उसके बाद एस टाइप करना है, वन टू थ्री फोर लिख करके फिर मेल फाइल करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो एस कमांड यहां पर क्या करेगा, सारे मैसेजेस को वन टू थ्री और फोर चारों मैसेजेस को सेव कर देगा सारे हेडर्स के साथ। और कहां पे सेव करेगा, एक मेल फाइल नाम के फोल्डर में जाकर के ये सेव करेगा। तो ऑल हेडर्स का मतलब है कि कहीं कहीं पे लेट सपोज यूजर नेम, टर्मिनल नेम, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ आता है यूजर नेम टर्मिनल नेम, तो यूजर नेम टर्मिनल नेम ये क्या है, ये हेडर है। और कहीं कहीं पे यूजर नेम नहीं होगा, टर्मिनल नेम नहीं होगा, बट यूजर के खाली नाम होंगे, टर्मिनल के खाली नाम होंगे, ऊपर वाला हेडर होगा ही नहीं। तो आप चाहते हो कि हेडर भी आए
मैसेज वन, मैसेज टू, मैसेज थ्री का हेडर भी आए और हेडर के साथ वो मैसेज हमारा मेल फाइल नाम के फोल्डर में सेव हो जाए, तो उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क के बाद एस, जितने भी मैसेज को सेव करना है उतने मैसेज, वन टू थ्री फोर और उसके बाद फोल्डर का नाम और एंटर प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगी। उसके बाद हम मेल फाइल में जो जो मैसेजेस सेव हुई है, जो जो मेल सेव हुई है, उन मेल को मैं देखना चाहता हूँ। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के मेल एक्स टाइप करना है, हाइफन एफ टाइप करना है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, जो ऊपर मैंने मेल एक्स हाइफन एफ एम बॉक्स बताया था बिल्कुल वैसे ही हाइफन एफ, और यहाँ पर मेल बॉक्स नहीं, क्योंकि आपका मैसेज मेल फाइल नाम के फोल्डर में है, तो आप मेल फाइल नाम के फोल्डर को यहाँ पे स्पेसिफाई करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, मेल फाइल नाम के फोल्डर से आपको सारे मैसेज शो करेगा, मेल की पूरी लिस्ट शो करेगा, मैसेज की पूरी लिस्ट शो करेगा। अब वो आप प्रैक्टिकली करके देखना तो आपको पता लगेगा कैसे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद यू टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट मैसेज जो कि डिलीट कर दिया था वो अंडू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। बस शर्त ये है कि आप मेल एक्स से एग्जिट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद डी टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज को आप डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे कुछ कमांड्स है यूनिक्स पे मेल को रिप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में मेल के रिगार्डिंग मैंने थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट कमांड्स लगे हैं वो सारे कमांड्स मैंने कवर कर दिए हैं, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यूनिक्स के और भी दूसरे कमांड्स को देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।